बड़ी देर से वेट कर रहा था सुबह से मैं इसकी, और अब जाके आया ये रहा, दिखाना भैया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पुनीत एंड यू आर वाचिंग पीआर व्लॉग्स। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, मैंने नया मैकबुक प्रो मंगवाया है। सो इसकी अनबॉक्सिंग मैं चाहता था मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ करूँ, तो ये सुबह से आया हुआ है और अब दोपहर के बज गए हैं 3, तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो ये आया मेरे पास ब्लू डार्ट से, कोरियर से, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था। तो ये सारी अनबॉक्सिंग होने वाली है हमारी ब्लेड लेस, इसमें आपको ना ब्लेड चाहिए ना कोई सीजर चाहिए। ये है पैकिंग, ये देखो, जस्ट इसको आपने स्ट्रेच करना है और ये ब्लू डार्ट की बॉक्सिंग होगी इनका बस। और अब जो एप्पल की है ना, एप्पल बहुत स्मार्ट है, उसने यहाँ पे लूप दिया हुआ हल्का सा, उसको आप ऐसे खींचोगे और इसका हो गया बॉक्स ओपन। और सो ये हमारा अंदर मैकबुक प्रो, और ये बहुत स्मार्ट पैकिंग दी हुई है इसकी। ये देखो, अगर मैं इसके फ्लैप ऊपर करूँगा तो मैकबुक प्रो अपने आप ही बाहर आने को होगा। सो ऐसा कुछ एप्पल ने दिया हुआ है, और कुछ नहीं है बॉक्स में। बॉक्स को करते हैं साइड, और ये रहा हमारा मैकबुक प्रो का बॉक्स। बहुत ही अच्छी पैकिंग दी हुई है इसमें, एक तरफ मैकबुक की ब्रांडिंग है, एक तरफ एप्पल का लोगो है। मैंने मंगवाया है 8GB रैम और 512GB रोम के साथ, और इसकी जो 13-inch मॉडल है ये, और इसकी जो एमआरपी इसकी है 1,42,900, और मुझे बहुत बेस्ट प्राइस पर मिला है। बेस्ट प्राइस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तब तक आप देखो इसकी अनबॉक्सिंग। और अगेन इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसको पील ऑफ करना है मुझे दोबारा यहाँ पे, और ये चारों तरफ से अच्छे से पील ऑफ हो गया बहुत इजीली बिना ब्लेड के यूज के। और ये इसका फर्स्ट लुक देखते हैं कैसा है, बड़ी स्लो मोशन में खुल रही है। अगेन स्मार्ट। सो ये रहा हमारा मैकबुक प्रो, इसको हम रखेंगे अभी साइड में। और इसमें एक्सेसरीज में एक USB-C टाइप चार्जिंग केबल, कुछ इसकी गाइड्स हैं, और ये है 63W का सुपर फास्ट चार्जर USB-C टाइप और इंडियन कनेक्टर के साथ। और इसमें बेस्ट चीज़ ये है, अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो वहाँ का कनेक्टर आप ऐसा लेके इसमें अटैच कर सकते हो, तो अलग से कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एक्सेसरीज अब रखते हैं हम वापस बॉक्स में, और आपको दिखाता हूँ मैं फाइनल प्रोडक्ट अपना। तो ये है मैकबुक प्रो स्पेस ग्रे, 8GB रैम, 512GB रोम के साथ, M1 चिप वाला है। और ये इसकी अगेन अनबॉक्सिंग, बड़ी अच्छी पैकिंग है यार, स्मार्ट पैकिंग है। सो ये है फाइनल प्रोडक्ट, तो पहले आप देखो फिर मैं देखता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आता है, और ये इसका अलग से एक अंदर स्क्रीन प्रोटेक्ट करने के लिए कवर दिया हुआ है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसकी बैक से लुक है, इस बार इसमें लाइट नहीं है जो कि पहले आती थी। सो ऑन करते इसमें आ जाती है सेटअप विंडो, और जब तक मैं इसको करता हूँ सेटअप, तब तक आप एंजॉय करो इसके कुछ हिस्से। साइड पे अभी, और इस बार इस पे टेपिंग है, तो टेप के लिए यूज करना पड़ेगा मेरे को ब्लेड। और रह गया अभी भी, यहाँ से काफी ज्यादा टेप लगाई हुई है इन्होंने। ओके, तो इसमें अंदर भी टेप है ताकि अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी हिले ना। तो
उसके लिए करना पड़ेगा। ओके निकल गया, तो इसके अंदर खाली बिल है और ये है मेरे एयरपोर्ट्स 2। सो अभी इसको खोल के आपको दिखाता हूँ मैं कि ये कैसा है अंदर से। अगर आप एप्पल की वेबसाइट से कोई भी एयरपोर्ट्स वगैरह लेते हो या आईपैड लेते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलता है कि आप उस पर इंग्रेविंग करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसमें मैंने इंग्रेविंग करवाई अपने बेटे के नाम की जैविक, और साथ में एक मैंने रखा है इसमें हार्ट बनवाया है। सो ये एयरपोर्ट्स 2 है विद वायरलेस चार्जिंग केस, और इसकी भी पैकिंग मैं आपको खोल के इसको अनरैप करके दिखाता हूँ कि कैसा है ये। तो ये आ गया बाहर, बहुत क्यूट सा है ये, बहुत अच्छी फिनिशिंग में इन्होंने लाइक ना तो स्टिकर जैसा लग रहा है ना इंग्रेविंग जैसा लग रहा है, प्रिंटेड लग रहा है इसके ऊपर जो नेम प्रिंट करा है। और ये हमने खोला और ये आ गए बाहर हमारे एयरपोर्ट्स 2 जो कि रेडी टू यूज़ है। जस्ट से हाय सीरी एंड दे आर रेडी। सो ये है मेरा मैकबुक एयर जो मैंने 2017 में लिया था। सो इससे मुझे अपग्रेड करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसमें जो मेमोरी है वो 128 GB है, और उसमें मैं व्लॉग एडिटिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो लास्ट संडे का आपने व्लॉग देखा था जिसमें हम मानेसर गए थे ब्रेकफास्ट करने, तो वो व्लॉग ही मेरा 120 GB का था और उसमें बहुत एडिटिंग करने के बाद वो 80 GB का मैंने करा। उसमें काफ़ी वीडियोस ऐसी डिलीट करनी पड़ी मेरे को जो इम्पोर्टेंट थी लेकिन नहीं डाल पाया मेमोरी कम होने की वजह से, और एक्सटर्नल स्टोरेज से कोई सपोर्ट नहीं मिलता मैकबुक में, इसलिए मैं गया एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पर और वहाँ पे उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि मैं 512 GB वाला ले लूं और मैकबुक प्रो लूं क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी होती है, इसमें फ़ैन है और जो कि एडिटिंग के टाइम पे लैपटॉप बहुत हीट हो जाते हैं और उनके लिए फ़ैन होना बहुत कंपलसरी है। और जो नया मैकबुक एयर आ रहा है उसमें कोई फ़ैन नहीं है एज सच, ऐसी अभी तक कोई उसकी हीटिंग की कंप्लेंट्स आई नहीं है। सो ही सजेस्टेड मी कि मैं मैकबुक प्रो के साथ जाऊँ। सो मुझे भी अच्छा लगा था ये, इसमें टच आईडी भी है जैसे कि और टच बार भी है ऊपर, सो कुछ डिफरेंस भी हो जाएगा। एयर तो मैं पहले यूज़ कर ही रहा हूँ सो इसलिए मैंने मैकबुक प्रो लिया है। अब इसका मैं आपको 1 मंथ बाद रिव्यू दूंगा कि कैसा लगा मुझे यूज़ करने में और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो वैसे तो इसकी प्राइसिंग है 1,42,900 रुपीज़ और मुझे ये मिला है स्टूडेंट डिस्काउंट में। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ जबकि, लेकिन मेरे घर के सामने एक स्टूडेंट है गीतांशु जो कि बहुत अच्छा है। भाई गीतांशु थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर आईडी। सो उसकी आईडी मैंने लगाई, मुझे 10% डिस्काउंट मिला मैकबुक पे, प्लस मुझे एयरपोर्ट्स फ्री मिले हैं, प्लस मैंने इसकी कवरेज ली है 2 ईयर्स की जो कि 22,000 की थी लेकिन मुझे मिली 18,000 की। सो अगर टोटल हम देखें तो मेरे को 4,000 का बेनिफिट यहाँ हुआ और 14,000 के मुझे एयरपोर्ट्स फ्री मिल गए, तो 18,000 ये हो गए, प्लस 14,290 रुपीज़ का डिस्काउंट मुझे लैपटॉप पे मिला। सो ऑलमोस्ट जो मुझे डिस्काउंट मिला है अराउंड 32,000 का डिस्काउंट मिला है जो कि बेस्ट डिस्काउंट मेरे को मिला। सो इसकी बेस्ट प्राइस जो अगर मैं दिखाऊँ विदाउट वारंटी मेरे को मिले 1,28,610 रुपीज़ विद वायरलेस एयरपोर्ट्स विच इज़ द बेस्ट प्राइस ऑल ओवर इंडिया। सो अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना है इसको, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।